हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आर्य क्लासेस सीडीएम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो चैप्टर 7 है फिजिक्स में, उसका लेक्चर नंबर 5 लेके आए दोस्तों। हाई फाइव दे रहे हैं, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर 4 पहले देख लेना दोस्त। तो लेक्चर 5 तेरे लिए ऐसा है, कैसा फिर से कर? ऐसा हो जाएगा, टेंशन लेना नहीं। चल आ जा दोस्तों। थ्री पार्टिकल्स ऑफ मासेस 100 ग्राम, 150 ग्राम एंड 200 ग्राम, है ना। आपको एग्जांपल 7.1 है आपका एनसीईआरटी टेक्स्टबुक का, टेक्स्टबुक आप पास में लेके बैठिएगा दोस्तों और क्वेश्चन पढ़िएगा वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। M1 मास सपोज इसको मैं कंसीडर करता हूं, M2 मास मैं ये 150 वाले को कंसीडर करता हूं और M3 मास 200 वाले को कंसीडर करता हूं, ठीक है। जिसको M1 कंसीडर किया है उसी को R1, उसी का पोजीशन R1 लेंगे। सो R1 will be 0.0 meter or centimeter, whatever it is given to you, I don't know exactly. M2 0.50, बार बार समझाना नहीं पड़े, लेक्चर 4 आप देख चुके हो। x एक्सिस पे 0.5 इतना दूर है, y एक्सिस पे है नहीं, तो y एक्सिस उसका 0 हो जाएगा। अब R3, ये R3 का ही तो लोचा है सब, R3 का ही तो लोचा है R3 दोस्तों। आप देख पा रहे हो कि यहां पे, अब आपको पता है दोस्तों, कोई पार्टिकल एक्स और वाई एक्सिस के बीचों बीच, मतलब कहीं पे होता है। मान लो ये 3 है और ये 4 है वाई एक्सिस, तो इसका पोजीशन क्या हुआ? 3 एंड 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना कि ये यहां पे मान लो तुझे दिया है 5, तो ये कोई 5 इसका पोजीशन नहीं है। बात समझना, मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ भी दिया हुआ, मान लो कि 1 दिया है, कुछ भी दिया है, तो 1 इसका पोजीशन नहीं है। इसका पोजीशन तो कौन डिसाइड करेगा? ये एक्स एक्सिस पे ये कितना दूर है और वाई एक्सिस पे कितना दूर है, ये पोजीशंस डिसाइड करते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको, मान लो इधर 0.5 है, तो 0.5 और आपको पता है 0.5 डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो 60 का एंगल बन गया। फोकस, 60 का एंगल बन रहा है और ये 0.5 है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 0.5 cos 60 और ये इतने तक क्या हो जाएगा, 0.5 sin 60, ठीक है। सिंपल है दोस्तों, देखो x एक्सिस पे कितना दूर है, ये 0.5 cos 60 और y एक्सिस पे कितना दूर है, ये 0.5 sin 60, ठीक है, डन है। तो मुझे कभी भी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कहीं पे कोई पार्टिकल पड़ा है तो उसका पोजीशन ऐसे फाइंड करूंगा मैं, ना कि सीधा 0.5 लिख दो। आप समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस पे कितना दूर, वाई एक्सिस पे कितना दूर। तो देखिए दोस्तों, ये और ये, चलो इसका पोजीशन ये हो गया 0.5 cos 60 और ये हो गया 0.5 sin 60, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, हो गया 0.5 cos 60, आराम से 0.5 sin 60। अब 0.5 cos 60 मतलब क्या है, 1/2। साइन 60 मतलब क्या है भैया, √3/2। बहुत इजी वे में जा रहे हैं हम, 0.25 0.5/2 into √3। आपको √3 अभी से 1.73 रख के आंसर लाना है तो भी कोई इश्यू नहीं है, ला देना। तो आ जाओ दोस्तों, अभी मेरे पास क्या है, M1R1 M2R2 देख लेते हैं, M3R3, M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 100, R1 00, M2 150, R2 1.500 प्लस M3 200, R3 0.25 √3 अपॉन में, आप पूरे के अपॉन में लिखिए, या 1/450 लिखिए, M1 M2 M3 100 150 and 200 450 हुआ, ठीक है सर।
अरे 100 को 00 के साथ करेंगे तो 00, 150 का 0.5 के साथ 75, 200 का 0.25 के साथ 50, 200 का 0.25 के साथ 50 और रूट 3 बाजू में तो है ही। कितना इजी है दोस्तों, हाँ तेरी तरह एकदम इजी है, टेंशन नहीं लेना। 0, 75 और 50 125, 0, 0 और 50 रूट 3। दोस्तों आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा, जो आंसर आता है वो लिख लीजिएगा। आंसर आएगा आपका एक मिनट 0.28 और 0.19 सेंटीमीटर, कोई सेंटीमीटर मीटर जो दिया है दोस्तों। एक्स एक्सिस पे 0.28 जितना दूर और वाई एक्सिस पे 0.19 जितना दूर आपका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है दोस्तों, इतना इजी सम था। प्रैक्टिस के लिए एक सम दे देता हूं, अब आपके हिसाब से प्रैक्टिस करके और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना। ठीक है बेटा मोहन, ओके ओके। 0.2 चिंता 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 3 ग्राम 5 ग्राम 2 ग्राम, ठीक है ये मास। फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है चल, वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मजे करते रहिए। बाय बाय।